तो चलिए फ्रेंड्स आज पढ़ते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे एक एल्युमिनियम रॉड है और ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है। तो हमने जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, जब हमने यहाँ से करंट पास करा तो इस रॉड को एक फोर्स महसूस हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इसके आ गया था और करंट यहाँ से पास हो गया और यहाँ पे इसे एक फोर्स महसूस हुआ। बस यही था इस टॉपिक में, मतलब कि ये मेन कॉन्सेप्ट था। तो देख सकते हो फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें देखना है तीन चीज़ों पे फोर्स जो है डिपेंड करता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर होता है, उसके बाद करंट पे होता है। जितना बड़ा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही फोर्स लगेगा, है ना। अब हम उस फोर्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसको हमें ऐसे फिक्स करनी होती है हमें अपनी सारी फिंगर्स, तो देख सकते हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए चलिए मैं आपको इससे ही समझाती हूँ। ये होता है फादर, थंब फादर, मदर चाइल्ड। फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड मीन्स करंट, ठीक है। तो हम इसका कैसे पता करेंगे, हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जो भी होगा हमें उससे अपने अरेंजमेंट करनी है, उसके बाद हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं चलिए, और 13.2 वाला। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। सो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि हमारी मदर, मतलब कि ये वाली इंडेक्स फिंगर। तो ये देखिए मदर डायरेक्शन ये होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमेशा फ्लो करता है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन ये हो गई, करंट की हो गई आपको दिख रहा होगा। तो फिर ये थंब कहाँ जा रहा है, मतलब फोर्स कहाँ पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, टू द राइट, राइट की तरफ नहीं, अंदर को लग रहा है, लेफ्ट की तरफ नहीं, आउट ऑफ द पेज, पेज के बाहर जा रहा है नहीं, इन टू द पेज, पेज के अंदर जा रहा था, अभी हमने देखा था पेज के अंदर जा रहा था। तो ये क्लियर हो गया और हमारा ये वाला टॉपिक भी कम्प्लीट हो चुका है।